तारे जमीन की याद आ रही है ना तो देखकर देखी मूवी आपने तारे जमीन पे। तो गाइस हम अब रात को कहीं जा रहे हैं, 10 बज गए हैं, यहाँ पे कोई निकलता नहीं है। गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मुझे मौसी के घर जाना था उत्तराखंड, एंड हम पहुंच गए थे अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग। और ये मेरी मौसी का घर है, ये जो जहां तक आपको दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ पेड़ पौधे से, तो ये सब्जियां हैं जो उन्होंने उगा रखी है अपने आंगन में। और इन्होंने ज़्यादा नहीं उगाई हुई क्योंकि यहाँ पे रात को जंगली जानवर आ जाते हैं और इस वजह से वो सब खा जाते हैं और ख़राब कर जाते हैं, तो बहुत कम ही दिख रही होगी आपको। और ये जो सामने आपको दिख रहा है एक छोटा सा पेड़ जो कि एक पपीते का पेड़ है, ये आपको हरा हरा सा दिख रहा होगा। तो पंकज जी आप पहुंच गए गांव में। हाँ, पहुंच गए। बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरे, वैसे आप सेकंड टाइम आए हो, लास्ट टू लास्ट ईयर हम आए थे है ना। हाँ, 2018 में आए थे। हम धूप में क्यों खड़े हैं लेकिन। हाँ, धूप अच्छी लग रही है। हाँ यार, 26 दिसंबर, पता है अपनी सोसाइटी में धूप मिलना नसीब नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है हम नाइट शिफ्ट करते हैं, तो दिन में नहीं शाम को उठते हैं, तो धूप भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे कितने देर से हम धूप में बैठे हैं और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना। विटामिन डी मिल रही है। डिकोली के पास है गांव। हाँ, डिकोली जो डिकोली डिकोली जो रामनगर से तकरीबन 18-20 किलोमीटर है, पर तेज बोलो, उसके बाद ये गांव पड़ता है। ये बिल्कुल जिम कॉर्बेट के बिल्कुल बीचों बीच ये गाँव है। यहाँ रात में शेर हाथी जानवर आते रहते हैं और ये लोग यूज टू भी हो गए, इनको डर भी नहीं लगता। एक तरीके से एडवेंचरस लाइफ जीते हैं यहाँ पे लोग। मतलब ये जो इन्होंने क्या लगा रखा, बाड़ लगा रखी है, क्या बोलते हैं इसको, बाड़ी बोलते हैं, बाड़ लगा रखी है। और इसके बाहर रात को हिरन भी आ जाते हैं, शेर भी आ जाता है, तो इनकी लाइफ मतलब इनको इनके लिए नॉर्मल है, दे आर यूज टू इट। बट हमारे लिए इतना वो लगता है ना कि भाई शेर आ जाएगा और ये सब। और मतलब 8 बजे के बाद तो आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इतना अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे बिजली भी नहीं है, यहाँ पे लोग सोलर पैनल लगाते हैं और उससे बिजली यूज करते हैं। ये पावर सप्लाई जो जा रही है ये दूसरे जगह के लिए जा रही है, इनके लिए पोल्स गड़े थे लेकिन ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। ये पोल्स गड़े हैं बट यहाँ पे अब तक बिजली नहीं आई। मतलब इनफैक्ट ये देखो ना, ढिकली बगल में ही है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रिसोर्ट हैं बट इस गाँव में अभी तक बिजली नहीं आई है। एंड आई डोंट नो पीपल कैसे रहते हैं यहाँ पे इस टाइम पे भी, जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और ये गांव अभी भी ऐसा ही है। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है गांव और वहाँ लाइट नहीं है 2020। हाँ, बट यहाँ पे लोग इतने रिलैक्स, देखो यहाँ पे लाइफ इतनी मतलब चिल है। आपको हम लोग दिखाते हैं जो बैठे हुए हैं, चार लोग वहाँ बैठे हैं और कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे लाइफ एकदम आराम से कट रही है लोगों की और बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह वो भाग दौड़ नहीं है जो देखने को मिलती है, यहाँ बड़े रिलैक्स रहते हैं लोग, बहुत रिलैक्स हैं, शांत। बहुत से मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे मेरा भी नहीं आ रहा बट क्योंकि मोबाइल चल रहा है तो वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज और कोई मतलब सोशल मीडिया से कोई कनेक्ट नहीं कर सकते। कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती यहाँ पे, स्कूल पूरी तरह बंद है अभी कोरोना की वजह से। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो जंगल सफारी की जीप भी खड़ी है वहाँ दूर। कहाँ पे? वो सामने खड़ी है। हाँ, बच्चे उसमें खेल रहे हैं। तो गाइस हम अब रात को कहीं जा रहे हैं, वैसे तो कितने बज गए, 10 बज गए हैं, यहाँ पे कोई निकलता नहीं है, यहाँ कोई निकलता नहीं है, बट हम जा रहे हैं थोड़ा सा एडवेंचर्स करने के लिए क्योंकि यहाँ आसपास सारा जंगल है और जंगल में कुछ भी मिल सकता है, शेर, टाइगर, एनीथिंग वी कैन सी। तो जस्ट फॉर एडवेंचर वी आर गोइंग और चलो देखते हैं
कुछ मिलता ही नहीं मिलता, या फिर ऐसे घूम कर आ जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और लेट्स इंजॉय दिस, चलो चलते हैं। रात के बज रहे हैं 10, तो चलते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है, कुछ दिखता है नहीं दिखता है, लेट्स हैव फन एंड एडवेंचर। ये क्या ओस? अच्छा ये पत्थर अड़ रहे हैं। और क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही है यहाँ से, तो ये पत्थर हटा रहे हैं ताकि गाड़ी निकले। आ तो बड़ी मुश्किल से गई थी जैसे तैसे, पर ये गोल गोल जो पत्थर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, और हम मतलब अभी घर से दूर तक भी नहीं जा पाए हैं और अटक गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पत्थर गोल गोल। आई होप हम निकल पाए, और आई होप हमें रिग्रेट ना हो कि हम रात को झूठ बोल के सबको और हम ऐसे निकल रहे हैं। आई विश सब ठीक हो और ये गाड़ी निकल, एक्चुअली गाड़ी भी मतलब होंडा सिटी है ना, तो ये पत्थरों और पहाड़ों के लायक नहीं है। आई थिंक हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था एटलीस्ट रात को, क्योंकि अभी ये इट्स नॉट अ सेफ टाइम, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर वगैरह ना आ जाए यहाँ पे, मुझे उसका ज़्यादा टेंशन है। जय माता दी। और ये हमारी लास्ट कोशिश भी नाकामयाब रही, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कार हम दोबारा अटक गए, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे थे बट गाड़ी हमसे नहीं निकल पा रही थी। सो दिस वॉज द रास्ता, आप देख सकते हो कितना ही हॉरर है, और मतलब हॉरर इन द सेंस कि वेरी डिफिकल्ट। कोई नहीं, इट वॉज अ लर्निंग। ये एकदम जंगल ही है चारों तरफ और हम बीच में हैं। हमने कुछ ना देख के भी बहुत कुछ देख लिया वैसे तो। माय गॉड, इट वाज वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। अरे तुम पे फोकस ही नहीं हो रहा, तुम भूत तो नहीं? सुबह सुबह 4 बजे हम क्या खा रहे हैं? ट्रीट जिम जैम, क्योंकि हमें भूख लग रही है और सुबह सुबह कुछ मिलेगा नहीं। वेरी नाइस।
गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरी नहीं है, पंकज की है, लग ही रहा होगा देखकर। बट मुझे 4 बजे से नींद ही नहीं आ रही है, जब से मैंने मैं उठी हूँ, क्योंकि हमारा टाइमिंग ही नहीं है ना, ये हम सोते ही लेट हैं और जल्दी नींद आ जाती है तो जल्दी आँख खुल जाती है। तो मेरी आँख खुल चुकी है और सुबह के 7 बज रहे हैं, 3 घंटे हो चुके हैं मुझे उठे उठे। बहुत कोशिश करी कि मैं सो जाऊं बट नहीं आ रही है नींद। तो मैं क्या करूं। तो मैं उठ गई, मैंने कहा चलो ऐसे ही घूम लेती हूँ तब तक कोई उठेगा तो चाय बनेगी, चाय पीऊँगी। सो इट्स गुड, मतलब सुबह उठना और गांव में अच्छा भी लग रहा है। तो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये हमारी शॉप है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए सामान होता है, सारा वेफर्स वगैरह, चिप्स वगैरह। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी अब अपना बॉन्ड फायर किया, अपना बैठे, अपना गर्माहट ली। खाते में लिख लो, खाते कभी कभी खा लिया। आ बैठो, मैं दिखा के आती हूँ। यहाँ पे हम पहले रहते थे मौसी वगैरह, तो ये एक्चुअल जो घर होता है, मतलब पहाड़ियों का जो घर है ऐसे होता है पूरा ना, टीन वीन वाला और मिट्टी वाला, नीचे सारी मिट्टी विट्टी लेके जाती है। ओ, तो ये अंदर से ऐसा बिल्कुल मिट्टी वाला जो होता है ना, प्रॉपर बना होता है। आज तो मम्मी पूरा गाइड करोगे ना। और ये दो मंदिर है, चप्पल पहन के नहीं जाएगी। दो रूम है ये, मतलब पहला मंदिर इतना छोटा घर था, ये यहाँ पे रहते थे सब। ये पूरा एकदम ट्रेडिशनल जो बोल सकते हो ना, उस टाइप से था। और यहाँ पे ना, यहाँ पे पता है एक आम का पेड़ होता था इतना बड़ा, अब वो पता नहीं कहाँ गया है या फिर क्या है। और वहाँ पे हमने आम तोड़ के खाए हैं बचपन में, बहुत बड़ा आम का पेड़ होता था वहीं, इसके नीचे हम लेटते आराम भी करते थे। इधर आते हो, इधर आते। तारे जमीन पे। तारे जमीन की याद आ रही है ना तुम्हें, देखी मूवी आपने तारे जमीन पे? फिल्म की शूटिंग चल रही है। खुश हो रहा है, चलो पंकज चढ़ के दिखाएगा। यस पंकज, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। पंकज ये तो बराबर है पेड़, चढ़ जाओगे तुम?
तो चढ़ के दिखा दो। अमरूद के पेड़ में अमरूद नहीं है, ये अमरूद का पेड़ ये वाला है कौन सा? वो है। अच्छा वो है, चल मैं चढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है।